हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट इज कैपेसिटर। आज हमको कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है कैपेसिटर। ठीक है, देखो कैपेसिटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्पेशलिटी आपको बताता हूँ मैं। कैपेसिटर जो है ना, ये बहुत कम वोल्टेज पे, बहुत कम पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करता है। यही इस डिवाइस का स्पेशलिटी है। ठीक है, कैपेसिटर का स्पेशलिटी ये है, कैपेसिटर स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट वेरी लो पोटेंशियल। ये इसका सबसे बड़ा हम ऐसा बोल सकते हैं स्पेशलिटी। जैसे रेजिस्टर का होता है, रेजिस्टर रेजिस्टेंस देता है करंट को। ठीक है ना, ये सब हमने डिवाइसेस पढ़े हैं, रेजिस्टर पढ़ा है हमने। हम ट्वेल्थ में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर का हम सबसे बेसिक चीज़, सबसे बेसिक स्पेशलिटी ये बोल सकते हैं दैट इट इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट वेरी लो पोटेंशियल। बहुत कम पोटेंशियल पर बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर करता है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज कैपेसिटर, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट वेरी लो पोटेंशियल। बहुत कम पोटेंशियल पर बहुत ज़्यादा चार्ज को ये स्टोर करता है। यही इस चीज़ का, ये डिवाइस का स्पेशलिटी है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कैपेसिटर का डिफाइन क्या है। वैसे क्या है कैपेसिटर, मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस है। ठीक है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है। अच्छा, करता क्या है फिर, हर डिवाइस का कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी काम होता है। ये डिवाइस का काम है स्टोर करना ज्यादा स्टार्ट, ज्यादा चार्जेस को स्टोर करना बहुत कम पोटेंशियल पे। ठीक है, तो पॉइंट ऐसा है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स, विच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट वेरी लो पोटेंशियल, बहुत कम पोटेंशियल पे। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट वेरी लो पोटेंशियल, बहुत कम पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल एट वेरी लो पोटेंशियल, बहुत कम पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करता है। यही इस डिवाइस का स्पेशलिटी है। ठीक है, बात समझ में आई कि क्या है कैपेसिटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर ये क्या है, कैसे बनता है, अंदर क्या होता है, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, एक डायग्राम से मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। एक्चुअली में वो डायग्राम आने वाला है, फिफ्थ पॉइंट में आपका वो डायग्राम आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। ठीक है, डायग्राम ऐसा है कि हमारे पास जो है ना कैपेसिटर में एक्चुअली होता क्या है, दो पैरेलल प्लेट होते हैं। ठीक है, ये और एक यहाँ पे। ठीक है, समझो ऐसा दो पैरेलल प्लेट होते हैं, एक प्लेट को ठीक है ऐसा कनेक्शन वगैरह दिया जाता है, पीछे कनेक्शन दिया जाता है, यहाँ पे आगे भी कनेक्शन होगा। इसको हम पॉजिटिव चीज़ से मीन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो होता क्या है, ये जो प्लेट यहाँ पे दिख रहा है, ये कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, इस पर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, पूरी तरह से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया ये पार्ट को। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस। ठीक है ना, यहाँ पे हमको मिलेंगे नेगेटिव चार्जेस। ओके, अच्छा समझा ना मैं क्या बता, मैं बता रहा हूँ आपको कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर बहुत सिंपल है, दो पैरेलल प्लेट से बनता है। दिख रहा है आपको, दो पैरेलल प्लेट्स दिख रहा है आपको, दो पैरेलल प्लेट्स, ये प्लेट्स है। ठीक है, प्लेट्स है ऐसा, और यहाँ से कनेक्शन दिया है, यहाँ से कनेक्शन दिया है। ये कनेक्शन मैंने बैटरी के पॉजिटिव को लगाया है, इसलिए इस प्लेट पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्जेस आ गया है। ये इस प्लेट को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है, इसलिए यहाँ पे पूरे के पूरे नेगेटिव चार्जेस आ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट द पोटेंशियल ऑफ दिस फर्स्ट प्लेट बी V1 हम एज्यूम करते हैं, प्लस V1 होगा मोस्टली क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस V1 इज द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट। ठीक है, फर्स्ट प्लेट या फिर आप फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट बोल सकते हो। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ ये क्या है, ये हमारे लिए फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, अच्छा वैसे ये सेकेंड होगा फिर अगर ये फर्स्ट है तो। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट और ये सेकंड कंडक्टिंग प्लेट। फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज प्लस V1 बिकॉज क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पे। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस सेकंड प्लेट इज माइनस ऑफ V1। ठीक है, माइनस ऑफ V1 मीन्स क्या हो जाएगा, अब ये सेकंड है माइनस क्यों आया, अच्छा एक काम करते हैं V1 क्यों V2 लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक पोटेंशियल आ जाए, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं, और V2 क्यों, क्योंकि अलग पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, ऐसा चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये पूरा का पूरा सिस्टम एनक्लोज्ड होता है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर बेसिकली अगर पूछा जाए तो होता क्या है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं। ठीक, कंडक्टिंग प्लेट्स जो कंडक्ट कर सकते हैं, एक कंडक्टिंग प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है, दूसरे को नेगेटिव से। पॉजिटिव से क्योंकि कनेक्ट है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से क्योंकि कनेक्टेड इसलिए नेगेटिव चार्ज। एक बात और समझो, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्ज ट्रैवल करता है। तो
मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता हूँ, ठीक है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? तो आई होप समझ में आ रहा है सब कुछ कैसे कैसे कर रहा हूँ। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट मीन्स ई बार, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप ऐसा। तो कैपेसिटर के अंदर पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करता है, ठीक है। एक बात और बता दूं कि पैरेलल प्लेट के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो बीच में है, यहाँ पे कोई भी मीडियम पॉसिबल है, हम क्या बताते हैं यहाँ पे, चलो एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा लिख देता हूँ मैं। क्या होता है यहाँ पे, एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है बीच में। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, देखो हर एक मीडियम के पास खुद का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, ठीक है। तो बीच में कोई भी मटेरियल हो सकता है, बीच में एयर भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है। जो भी मटेरियल लिया है उसका पर्टिकुलर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, दैट्स इट, सिंपल सी बात ऐसा। तो आई होप अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया आपको, बेसिक चीज बताया है, कैपेसिटर के अंदर दो पैरेलल प्लेट, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, एक को नेगेटिव से कनेक्ट किया इसलिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक का पोटेंशियल प्लस V1, दूसरे का पोटेंशियल माइनस V2, ठीक है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं किया जा सकता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? ओके चलो, और हाँ बीच में क्या बताया मैंने, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में एक कोई भी डायलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, कोई भी डायलेक्ट्रिक मीडियम पॉसिबल है, ठीक है। चल तो ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया कि कैपेसिटर होता कैसे, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए दिखने में ऐसा नहीं लगा, क्योंकि दिखने में तो बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है, ठीक है, बहुत सारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर होते हैं, ये बेसिक। लेकिन हर कैपेसिटर के अंदर ये सिस्टम होता है, ठीक है, हर कैपेसिटर के अंदर ये सिस्टम। देखो कैपेसिटर आप देखना जाए ना तो बहुत अलग अलग शेप में मिलेंगे आपको, देखो ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोलिटिक और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आप बोल सकते हो, ऐसा भी कैपेसिटर होता है, बहुत सारे टाइप का होता है, एक ऐसा भी कैपेसिटर होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है, यहाँ पे दो ऐसा, ये तो बहुत सारे टाइप से कैपेसिटर पॉसिबल है, ठीक है, बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर पॉसिबल है। लेकिन हर कैपेसिटर के अंदर देखा जाए ना तो ये सिस्टम जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये जो सिस्टम बनाया है वो कंफर्म मिलेगा, एक कनेक्टेड यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, समझ में आ रही बात। हर कैपेसिटर में आपको ये सिस्टम जो मैंने बताया वो मिलेगा। शेप्स तो अलग अलग बहुत सारे पॉसिबल है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, स्पेरिकल कैपेसिटर है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, बहुत सारे हमारे पास कैपेसिटर्स है, ठीक है। ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हमारे सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर था वैसे, ठीक है, इस टाइम पे यहाँ पे भी तो नहीं दिया फिलहाल, देखते चलो। फिर भी आपको मैंने बता दिया कैपेसिटर कैसे दिखते हैं, लेकिन मैंने ये जो बनाया है ये सिस्टम है, ठीक है, ये कैपेसिटर के अंदर का सिस्टम है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, सेकेंड पॉइंट ऐसा है, इस चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है, ध्यान देना। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, या फिर ऐसा पूछते टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, टू दिख रहा है, टू पैरेलल दिख रहा है, कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। अच्छा स्पेशलिटी क्या है ये कंडक्टिंग प्लेट्स का, स्पेशलिटी यही है दोनों पे चार्जेस है, दोनों पे चार्जेस है, इक्वल चार्जेस है। इक्वल मीन्स अगर मैं बोलूं यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज है तो मैं को यहाँ बोलना पड़ेगा दैट देयर इज अ -5 कूलम चार्ज, ठीक है। इक्वल बट अपोजिट चार्ज, अपोजिट क्यों, देख लो पूरा पॉजिटिव पूरा का पूरा नेगेटिव, सिंपल सी बात, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा है कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, टू पैरेलल कंडक्टिंग दिख रहा है प्लेट्स, टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज तो ये नेगेटिव चार्ज, बात एकदम क्लियर, एकदम कुछ ज्यादा ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि एकदम, ठीक है, एकदम अच्छी तरह से बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है। तो समझ में आ ही चुका है, डायग्राम तो देख ही लिया सबने, तो मैं यहाँ बता देता हूँ क्या है कि कैपेसिटर के अंदर होता क्या है, कैपेसिटर कंसिस्ट, अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गई मुझे, बता दूँ आपको कैपेसिटर का एक और नाम है, ठीक है, कैपेसिटर का एक और नाम पॉसिबल है, एक और नाम है कंडेंसर, ठीक है, याद रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि कंडेंसर आ जाता है लिखकर और हमको मालूम ही नहीं होता है कि कंडेंसर है क्या, ठीक है। तो याद रखना कंडेंसर और कोई नहीं कैपेसिटर ही है, उसी को बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है। फैन में देखा होगा आप लोगों ने, घर पे फैन सबके है, ठीक है, फैन को देखो, फैन में ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ये कैसा व्हाइट कलर का या फिर कुछ भी होता है, हर फैन में लगा होता है कैपेसिटर है ये कैपेसिटर, ठीक है। ये करता क्या है, बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करके रख लेता है बहुत कम वोल्टेज पे, यही इस चीज का स्पेशलिटी, ठीक है। ये हर फैन में आपको दिखेगा, हर सीलिंग फैन में आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपने देखा भी होगा, और कभी कभी आपने हार्डवेयर से इस चीज को खरीदा भी होगा, कैपेसिटर अलग से भी मिलता है, ठीक है।
होता क्या है, कभी कभी घर में जो फैन होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में फैन आपका स्लो हो जाए तो करना क्या है, बस ये निकालो कैपेसिटर वहां से और जाओ हार्डवेयर में दिखाओ, एक न्यू कैपेसिटर लाओ, लाके कनेक्ट कर दो, आपका फैन प्रॉपरली चलने लगेगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो कैपेसिटर का स्पेशलिटी है, ठीक है ना, समझा क्या है कैपेसिटर, सब कुछ बता दिया मैंने आपको कैपेसिटर बारे। चलो अब हम आते हैं रिटर्न हमारे पॉइंट पे कि क्या था कैपेसिटर। कैपेसिटर में होता है, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स, दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स, अच्छा दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, स्पेशलिटी क्या है, विथ इक्वल, दिख रहा है इक्वल चार्ज है, 5 कूलम 5 कूलम, बट नेचर अपोजिट है, वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने ऐसा लिखा है कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स विथ विथ इक्वल, इक्वल दिख रहा है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल लेकिन अपोजिट चार्जेस, ठीक है। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। चलो तो आई होप समझ में आ रहा है सब कुछ चीजें, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे आते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 ऐसा है, एक बात ध्यान देना, वो जो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। देखो ये 5 कूलम जस्ट मैंने एग्जांपल के लिया था आपको समझाने के लिए, ठीक है, मेन डायग्राम ये है। अच्छा याद रखना, मैंने बताया इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और इस चीज को मैंने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, डीसी बैटरी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हाँ थर्ड पॉइंट ऐसा है, ये दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में बताता हूँ, कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो डाउट एक्चुअल में स्टूडेंट्स को डाउट आता क्यों, मैं आपको बताता हूँ, जो भी चीजें मैं यहाँ पे बोलता हूँ उस चीज पे आपको डाउट इसलिए आता है क्योंकि उस चीज पे आप रिसर्च करते ही नहीं हो, ठीक है। अगर मैं कोई चीज बोल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मेरा पॉइंट ऐसा है कि अगर मैं जो भी स्टेटमेंट अपने थर्ड पॉइंट में लिखूं, अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही उस चीज पे रिसर्च करो, उस चीज को और जानो, तो प्रॉपरली समझ में आएगी हाँ वो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये चीज नहीं करते स्टूडेंट, इसलिए डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है, और एक बार डाउट्स आते आते गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक से क्लियर करते रहो चीजें, ठीक है, तो समझ में आएगा सब कुछ। ओके आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 ऐसा है, देखो पॉइंट नंबर 3 ज़्यादा ध्यान से सुनना, ये दिख रहा है ई, ई मीन्स बहुत सारा नाम है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोलो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर बोलो, ठीक है, बहुत सारा नाम है। ये ई और ये यहाँ पे जो चार्जेस है इसका एक बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर मैं यहाँ के पैरेलल प्लेट पे चार्जेस बढ़ा दूँ और बढ़ा, समझो मैंने यहाँ पे जो 10 चार्जेस ऐसे बनाए, समझो बहुत सारे बना दिए, समझो 100 चार्जेस बना दिए, तो क्या होगा, तो क्या ये ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा? हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर पैरेलल प्लेट पे चार्जेस इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, समझ में आई बात? बात ऐसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब आप चार्जेस बढ़ाओगे, ठीक है, यहाँ पे मैं कैपिटल क्यू लिख देता हूँ, ठीक है, जब आप चार्जेस बढ़ाओगे ना पैरेलल प्लेट्स पे, डेफिनेटली द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा एक उल्टा करके भी देख लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, चार्जेस को कम करते हैं, जब मैंने दोनों पैरेलल प्लेट्स पे चार्जेस कम कर दिया तो याद रखना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये भी कम हो जाएगा। मीन्स हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज के साथ कम ज्यादा हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट। बात समझ में आई, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल प्लेट के बीच में वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है चार्जेस पे जो खुद पैरेलल प्लेट पे अवेलेबल है, यही मेरा थर्ड पॉइंट है। बात समझ में आई होगी, ठीक है, चलो लिखते हैं जल्दी जल्दी। तो हमने क्या, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और कैसा डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ये बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, कहां है चार्जेस, पैरेलल प्लेट्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
चार्जेस, अच्छा कौन सा चार्जर, चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पैरेलल प्लेट्स, प्रेजेंट ऑन द पैरेलल प्लेट्स, प्रेजेंट ऑन द पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स पे जो चार्जेस प्रेजेंट है उस पे, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3 भी हमने सीख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, चलो पॉइंट नंबर 4 के बारे में बताता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख लिया, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो एक और चीज आपको बताऊं, अगर देखो पहले एक बात समझो, देखो छोटी छोटी चीज बताऊंगा, छोटी छोटी चीज समझ में आई तो ही हमको कॉम्प्लेक्स समझ में आएगी, ध्यान देना। V1 क्या है, V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लेट। आगे आते हैं, व्हाट इज V2, V2 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड प्लेट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका आंसर डिफरेंस, देखो मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। किस चीज का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, ज्यादा पोटेंशियल माइनस कम पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल क्या है V1, माइनस कम पोटेंशियल क्या है V2। तो नहीं बात, अच्छा बोलिए सर कैसे मालूम पड़ा आपको कि ज्यादा पोटेंशियल क्या है, बहुत सिंपल है, पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा ज्यादा पोटेंशियल में होता है, नेगेटिव, अरे नंबर नहीं देखा है, पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ऑब्वियस है कि पॉजिटिव 5 ही बड़ा है, ठीक है ना। तो मैंने ये दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, बस सिंपल सा। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं ना, यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका भी नेचर कुछ ऐसा ही है। अगर अगर मैं चार्जेस इंक्रीज करूं ना, यहाँ की चार्जेस इंक्रीज करूं, तो कन्फर्म आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर वही मैं अगर मैं चार्जेस डिक्रीज कर दूं, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। बोलने का मतलब ये हुआ कि जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच जो रिलेशन है, सेम रिलेशन यहाँ भी है। तो यहां भी मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। बात एकदम क्लियर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज के बीच में भी रिलेशन वही है जो रिलेशन यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में है। तो जो पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है सेम एग्जैक्ट पॉइंट वैसे ही लिखने वाला हूं, लेकिन बात याद रखना ये वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है हमारे केस में, हमारे केस में ये वी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। बात समझ में आई, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल का डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पॉइंट हमारा ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, अब हम आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे यहां पे सेम वैसे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस चीज से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। पॉइंट तो आगे लिखा ही हुआ है, सेम यही तो है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। अच्छा कौन सा चार्जेस, वो चार्जेस जो पैरेलल प्लेट्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पैरेलल प्लेट्स, प्रेजेंट ऑन द पैरेलल प्लेट्स। बात समझ में आई क्या बता रहा हूं मैं आपको, फोर्थ पॉइंट, बहुत सिंपल सा चीज, सब सिंपल तरीके से बताया एकदम, ठीक है। चलो ये चीज मैंने बता दिया, इस चीज को मैं रब कर देता हूं, ठीक है। चलो हाँ ये तो हुआ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 तो मैंने यहाँ, चलो डायग्राम को पॉइंट नंबर 5 देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में हम क्या देखें, देखो जो पॉइंट मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया था वैसा ही कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में बताते हैं, सब कुछ बता दूंगा यहाँ पे जो जो है, ठीक है, कि कैपेसिटर में होता क्या है। मैं देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 2 एकदम प्रॉपरली देखो, वहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि पॉइंट नंबर 2 में मैंने बताया क्या है, ठीक है। तो जो पॉइंट नंबर 2 में बताया है वही एकदम डिटेल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा है कि पॉइंट नंबर 5 में हम ये बताएंगे, जो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो चीज़ मिस हो गया ना, एक काम करते हैं वो बताते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमारा क्या मिस हुआ है, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अब तक हमने नहीं बताया, ये चीज़ को इंक्लूड करते हैं पॉइंट नंबर 5 में। एक बात और, हमने डायलेक्ट्रिक मीडियम भी नहीं बताया, ये भी चीज़ हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा और एनी डायलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बताऊंगा, ठीक है, वो पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। चल तो पॉइंट नंबर 5 में हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वैल्यू वगैरह क्या आएगा, ठीक है।
तो आई होप आपको इतना प्रॉपरली पहले फोर पॉइंट समझ में आया है। तो पॉइंट नंबर फाइव में ऐसा लिखेंगे हम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बता देते हैं कि ये दो पैरेलल प्लेट के बीच में क्या होता है। दो पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, देर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या, कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। देर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन, बीच में, प्रेजेंट बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, प्रेजेंट बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। बहुत सिंपल है, डिनोट करते हैं केस इन। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का आंसर होता है वन फॉर एयर, एयर के लिए अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम देख रहे हो तो आंसर वन होता है, मेटल के लिए इन्फिनिटी वगैरह बहुत कुछ होता है, ठीक है। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, चलिए बता दिया हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दो आप चाहिए तो पॉइंट नंबर सिक्स में। पॉइंट नंबर सिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है। पोटेंशियल का डिफरेंस ऑलरेडी एकदम डिटेल में समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब ऑलरेडी सब कुछ चीजें हमको आने लगी है तो ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट लिखेंगे। चलो पॉइंट नंबर सिक्स ऐसा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स is given by क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, सिंपल एकदम, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर सिक्स भी कंप्लीट हो गया है। डायग्राम देख लो आपको प्रॉपरली दिख रहा है क्या, सारी चीजें एक बार देख लो प्रॉपरली क्या क्या बताया मैंने, तो अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई तो फिर तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सिक्स पॉइंट्स हो चुका है, डायग्राम भी बन चुका है, डायग्राम को और अच्छी तरह से बना सकते हो, टेस्ट में बहुत कुछ दिया है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो थ्री मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये थ्री मार्क्स के लिए मैंने आपको कंटेंट यहाँ पे रेडी करा दिया है, ठीक है। ये थ्री मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ठीक है, 2021। ओके, तो ये हमारा सिक्स पॉइंट्स फॉर थ्री मार्क्स विथ डायग्राम, दिख रहा है सब प्रॉपर कंसेप्ट वगैरह बता दिया आपको, देख लो प्रॉपर जैसे जो बताया है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट सेव कर लो और इसका नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने स्टार्ट करो, क्योंकि बिना लिखे आना इम्पॉसिबल है, प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए सबका।